सो नियो 7 प्रो पर एंड्रॉइड 14 के बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद फंटच ओएस 14 पर अपडेट आया हुआ है बीटा वर्जन का। जी हाँ, जिस पर कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं। सो अगर आपके डिवाइस पर एंड्रॉइड 14 के बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको कुछ बग्स का सामना करना पड़ रहा था, तो इस 300 MB के अपडेट के बाद सभी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। तो यहाँ से आगे चलते अपन। जी हाँ, अपडेट के बाद आज अपन आईकु नियो 7 प्रो पर BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे। सो यहाँ से आगे देखते हैं डिवाइस के ग्राफिक्स। स्मूथ पर 90 FPS से लेकर ये डिवाइस HDR पर 60 FPS और आगे अल्ट्रा HDR सपोर्ट करता है। तो मैंने नियो 7 प्रो के ग्राफिक्स को स्मूथ पर 90 FPS करके कलरफुल 4x करके सेव किया और यहाँ से आगे चल दिया सीधे BGMI के गेम प्ले की ओर। वैसे भाई लोग, मैं करने वाला हूँ 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर 3 गिवअवेज, जिस पर नंबर 1 iPhone 11 128 GB, सेकेंड गिवअवे पोको X5 6 128 GB। ध्यान रहे, सेकेंड गिवअवे ओनली मेंबर्स के लिए है एंड थर्ड गिवअवे 5 RP विनर, जिसके रूल्स आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भाई लोग, आपका वेलकम है। नियो 7 प्रो को लेकर मैं सीधा गया ठंडी के मौसम पर इस इवेंट के ऊपर। ये स्क्वाड नॉक फिनिश। वैसे डिवाइस पर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का 5G चिपसेट मिलता है। ये नॉक वाला बंदा फिनिश। और हमारे जस्ट नीचे वाले कमरे पर मींस फ्लोर पर बंदे लोग यूजी प्लस डीपी, जी हाँ, चला रहे हैं यहाँ पर। सो मेरे उल्टे हाथ पर एक बंदा आया, नाइस। तो ये था शरारती बंदा, जी हाँ, टीपीपी लेकर खड़ा था यहाँ पर। पीछे एक बंदा नजर आया, ये नॉक। वैसे भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, डिवाइस की बैटरी 10% बस थी जब मैंने इस मैच को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से आगे देखेंगे अपन, जी हाँ, कितनी बैटरी यूज होती है और ये डिवाइस कब डाउन होगा। देखिए 10% बैटरी, मतलब डिवाइस की हालत गंभीर। जी हाँ, लेकिन भाई साहब, ये डिवाइस कम बैटरी के बावजूद रेंडर वगैरह कर नहीं रहा है, साथ ही साथ डिवाइस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। हाल फिलहाल उड़ता सलमान खान बनकर मैं यहाँ तक आया। गजब सीन, यहाँ पर एक स्प्रेबास था, वो नॉक फिनिश। यहाँ से आगे देखिए, उड़ता सलमान खान। और सल्लू भाई ने बना दी आते बराबर इस बंदे की पेटी। सो इस बंदे की पेटी बनाकर मैं निकल पड़ा आगे। एक आध बंदा यहाँ पर, ये बोट था, बोट फिनिश। सो डिवाइस पर 21 मीटर चालू है। नीचे एक बंदा, ये नॉक फिनिश। और यहाँ पर स्पेशल दुख, पीछे की तरफ से किसी बंदे ने स्प्रे मारा था, एक बंदा चोरी किया मैंने। वैसे भाई लोग, ये वाले अपडेट पर भाई साहब बहुत ज्यादा कैंपिंग चल रही है, घर के ऊपर कैंपिंग, घर के नीचे कैंपिंग। ये देखिए, ये बंदा चोरी चोरी चुपके चुपके आया था, बंदा नॉक फिनिश। और भाई साहब, स्नोमैन बनकर बंदे कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। सामने की ओर पर एक बंदा नॉक, गजब सी। नीचे स्प्रे बाज और ये डैमेज। यहां से आगे, ये बंदा भाग रहा था, बंदा नॉक फिनिश। और एक और बंदे को नॉक किया था, ना जाने कहां पर मुंह छुपा लिया उसने, ये रहा बंदा फिनिश। सो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मेन हॉट ड्रॉप पर दो बंदे और बचे हुए हैं, जिसमें से एक बंदा मेरे क्लोज पर है, ये रहा सामने। गजब सीन, ये तो यहीं पर छुपा हुआ था।
एक और बंदा आया। और ये जो बंदा आया हुआ है ना, बड़े हिसाब किताब से किसी पत्थर के पीछे छुपकर बैठा हुआ है। फिलहाल मैं गन को रिलोड कर रहा था। ये रहा स्प्रे बाज। स्प्रे बाज प्लस पिक बाज बंदा। ये बंदा नॉक फिनिश। और लास्ट में एक बंदा तशरीफ लाया था, बंदा फिनिश। सो ये देखिए 5% बैटरी बची हुई है डिवाइस पर। तो मैं यहाँ से आगे जा रहा था जोन के अंदर, सरवाइव किया, दो बंदे मिले थे रास्ते पर, उनकी पेटी बनाया और यहाँ पर आते बराबर मेरा डिवाइस स्विच ऑफ। जी हाँ, ये देखिए 0% बैटरी हो गई थी। यहाँ से आगे हमारे भाई ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किए थे। ये देखिए जिंदा हूँ मैं अभी तक, और इस मैच पर कम से कम 30 किल्स कर सकता था। हाल फिलहाल कोई भी समस्या नहीं, डिवाइस अपना लास्ट लास्ट का पावर यूज़ करके भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले को रिकॉर्ड करवा देता है। तो ये कुछ कहानी थी नियो 7 प्रो की। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।